जैसे जो भी ये वीडियो देख के आ रहे हैं उनको आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे? इसके अगर रेट की बात करें तो ये चारों बैटरी अगर फुल चार्ज हैं तो ट्यून बजाने के लिए स्पीकर वगैरह दिए हुए हैं? स्पीकर है, ठीक है जी। नहीं, लिमिट से लोड ले जाएगा तो मोटर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नमस्कार भाइयों, लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो जिसमें आपको ई रिक्शा यानी कि टुकटुक की पूरी जानकारी दी जाएगी। आज मैं आया हूँ सिंगम कंपनी के जहाँ ई रिक्शा, इसकी आपको पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी कि भाई साहब यहाँ जो मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं पूरा। तो भैया जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। गोविंद सिंह बिष्ट। गोविंद सिंह बिष्ट इनका नाम है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह आपको हर गाड़ी की पूरी जानकारी मिलती रहेगी आगे भी। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिए, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं, इसकी पावर की बात करते हैं कि जैसे ये पूरा इसका वजन कितने कितने किलो का होगा? इसका पूरा वजन 4 क्विंटल के लमसम। 4 क्विंटल के लमसम इसका इसका वजन होगा। और उसमें दूसरी हम बात करते हैं, जैसे हम आज के ज़माने में देख रहे हैं काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा टुकटुक चल रहे हैं, और जैसे पेट्रोल इंजन पेट्रोल डीजल वाले जो ऑटो वगैरह थे धीरे धीरे सब बंद हो रहे हैं। हाँ जी, ज़माना चेंज हो रहा है, लोग बैटरी पे आ रहे हैं। आजकल आप देखने वाले हों देखते ही होंगे कि बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह फोर व्हीलर वगैरह सब धीरे धीरे बैटरी ऑपरेटेड ही आ रही हैं, पेट्रोल और डीजल का काम धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा। तो जानना चाहेंगे इसमें कितनी बैटरी मिलती है सर? चार बैटरी मिलती है। बैटरी किस जगह पे मिलती है भैया, दिखाइए तो। इसके अंदर होगी। हाँ जी, दो बैटरी इसके अंदर है। दो इसके अंदर, ठीक है जी। दो पीछे वाली सीट, दो ए सेंटर वाली सीट के अंदर होगी, दो पीछे वाली सीट के अंदर होगी। और भैया इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं? अच्छा जी, ये बैटरी कंट्रोलर यहाँ पे लगा, ठीक है जी, देख पा रहे हैं बैटरी कंट्रोलर। और 1000 पावर की मोटर है, 1000 पावर की कंट्रोलर है। ठीक ठीक है जी। और यहाँ पे आगे की लुक देख पा रहे हैं, ये साउंड, ये दो स्पीकर दिए हुए हैं और साथ में ये इसमें डेक वगैरह लगा हुआ है। तो इसकी ऑपरेटर की बात करें, इसमें ये टोटल आपने जैसे बताई है चार बैटरी, तो इसकी एवरेज की जैसे बात करें मतलब कितने तक ये निकाल देता होगा, मतलब कितने किलोमीटर तक चल जाता है? कंपनी का तो 80 प्लस है, वैसे 120 110 120 से ऊपर ही चलता है। ठीक ठीक है जी, मतलब 100 से ऊपर ही चलता है, 100 से ऊपर ही चलता है फुल चार्ज चार्ज करने के बाद। ठीक है जी। तो इसकी जैसे मैं बताना चाहूँ, मतलब अगर ग्राहकों को या व्यूअर को बताएं कि इसमें मतलब लोड कितने तक का रहता है, जैसे कितनी सवारी तक बैठा सकते हैं हम, जैसे आरसी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से? 4 सवारी एक ड्राइवर। ठीक है जी, 5 सवारी इसमें अलाउड होती है, एक ड्राइवर 4 सवारी। अच्छा जी, डीलक्स मॉडल है, मतलब जैसे सिंगम कंपनी है इसके अलग अलग मॉडल आते हैं टुक-टुक में, तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग रेट का भी फर्क होगा। हाँ, ये टॉप में है, सबसे टॉप में डीलक्स मॉडल है। तो बाकी यहाँ खटीमा एरिया में इसका क्या रेट लमसम पड़ जाता है? ये 1.55 के आसपास पड़ जाता है। 1.55 के आसपास पूरा मतलब ये फाइनेंस करा के पूरा कंप्लीट करा? फाइनेंस से नहीं है, फाइनेंस में तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, फाइनेंस एक्स्ट्रा पड़ेगी। ठीक, 1.55 इसका मतलब कैश प्राइस है, 1.55 अगर जैसे लेता हूँ तो फाइनेंस पड़ेगी, उसके आगे मतलब फाइनेंस का जितना भी चार्जेस जाए फिर जो भी कस्टमर कहता है गुंजाइश करने के लिए। ठीक ठीक, वो गुंजाइश जो है मतलब आने से। ठीक है जी, जो भी वीडियो देख के आएगा आप डिस्काउंट उनको मिलेगा। तो वीडियो देख के आने से पहले भाई साहब को बता दीजिए, वीडियो देख के आए हैं तो जो भी गुंजाइश होगी भाई साहब करके देंगे। तो इसकी भैया जी जैसे आगे की जानकारी हम बता दें, इसकी जैसे कुछ वारंटी वगैरह कुछ जो आती है? एक साल की बैटरी की गारंटी है। ठीक है, चारों बैटरी की एक साल की गारंटी? एक साल की। ठीक है, और चार्जर की है साल भर की। ठीक, और जो है मोटर कंट्रोलर जो है जैसे कोई फाट टेक्निकली फाट आता है, हाँ जी, तो उसे 6 महीने की है कंप्लेंट। अगर मोटर फूकती है तो वो उसकी कमी से फूकती है, क्योंकि ओवर लोड डाला होगा। ठीक ठीक है, उससे फूके, उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मोटर फूकने की गारंटी नहीं है, बाकी सारी गारंटी है जो आपने बताई है। तो लिमिट से लोड ले जाएगा तो मोटर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर लिमिट से, हाँ जी, लोड अगर उसमें डालेगा तो मोटर फूकने की कोई नौबत आएगी नहीं। लोग जो है 8-8, 9-9, 10-10 क्विंटल माल ले जाएंगे तो मोटर ही है। हाँ जी, हाँ जी, 1000 पावर की मोटर है, 1000 पावर की कंट्रोलर है। ठीक है जी, 1000 पावर की मोटर और कंट्रोलर है इसमें। और सर आगे की अगर जैसे हम इसमें जानकारी दें, ये व्यूअर को जानकारी दें, जैसे ये इसकी मतलब रोड पे भागने की स्पीड कितने तक स्पीड आपको अगर 35-40 की है, 30-35 की स्पीड। और इसमें जैसे सर्विस की कुछ बताएं, सर्विस वगैरह भी होती है इनमें ना? होती है, दो सर्विस फ्री देते हैं। अच्छा, एक 500 किलोमीटर में और एक जो है 5000 किलोमीटर में, जो सामान पड़ता है उसके पैसे जाएंगे, लेबर चार्ज। लेबर चार्ज फ्री है, बाकी जो भी सामान लगेगा उसका जो
अरे खैर पैसा कुछ नहीं लगता है नई गाड़ियों में, ठीक है, मतलब दो सर्विस आप फ्री देते हैं स्टार्टिंग में, और वो मोबलेली चेंज होता है दो, ठीक है, इनमें भी मोबलेल पड़ता है, गियर ऑयल पड़ता है, अच्छा मोटर ही होती है सॉरी जो चलती है, हाँ इंजन तो होता नहीं, जैसे बैटरी है, मोटर इंजन हो गया इसका, मोटर कंट्रोलर और बैटरी, ठीक ठीक है, ये इंजन है इसे, ठीक, तो सर प्रदूषण मुक्त है ना, आपने बताया मतलब एक बार फुल चार्ज करने में 100 से पार ही चली जाती है, 120 या जितनी भी चली जाए लोड के हिसाब से, लोग तो कहते हैं हम 140 भी चले, हाँ जी, मतलब वही जैसे अगर खाली चलाओगे कम लोड डालोगे तो उतनी थोड़ी ज्यादा चलेगी, बाकी दूसरी बात ये भी बताएं, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और लोड ज्यादा होगा तो बैटरी भी कम चलेंगी, बैटरी भी कम चलेगी, और दूसरी बात जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर इसको फुल चार्ज बिल्कुल डाउन हो गई है, फुल चार्ज करना तो कितने टाइम में फुल चार्ज हो जाती है, ये ऑटोमेटिक कट है चार्जर, 8 से 10 घंटे लेती है, जैसे इसको फुल चार्ज करने में 8 से 10 घंटे ले लेती है चारों बैटरी अगर चार्ज करनी है, तो ऑटो कट आपने बताया ये ऑटो कट सिस्टम है, हाँ जी, अगर फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटो कट हो जाएगी, ठीक है जी, तो ठीक है भाइयों, इसकी नॉर्मल जो आपको जानकारी दे दी गई है, जो मेन मेन जानकारी इसकी होती है, बाकी जब भी आपने देखना है भाई साहब का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, किसी भी तरह की कोई आपको इंक्वायरी चाहिए हो तो आप भाई साहब को कॉल कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से हमने आपका नंबर लिया, तो आपको पूरी जानकारी इनके द्वारा दी जाएगी, बाकी जो लोकल के हैं जो खटीमा के नज़दीक एरिए के लोग हैं, किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहते हैं या लेना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं इसके अलावा, तो भाई साहब से जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं, कॉल आएगी भले अगर हम सो गए होंगे तो जो है सुबह हम उसको खुद कॉल कर, ठीक ठीक है जी, कॉल अगर आपकी आएगी उठाई जरूर जाएगी, अगर ना उठे तो भाई साहब की बैक कॉल आपको जरूर आएगी, चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, जल्दी लेके आएंगे आपके लिए नई वीडियो, नई गाड़ी की, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, ठीक है भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पूरी देने के लिए, तो आगे लेके आएंगे आपके लिए और भी वीडियो, अगर इस तरह की गाड़ी की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, धन्यवाद।